वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं एक शेयर के बारे में जिसका नाम है बैड लीजिंग एंड फिनको लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है 56.80 रुपीज़ है और इसकी जो लास्ट डे जो डे की क्लोजिंग हुई थी करीब 90.96% डे हाई पे इसने अपनी डे की क्लोजिंग दी थी। तो आप देखो करीब 20% के आसपास इस शेयर ने अपनी डे की क्लोजिंग दी है। तो एक बार इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको इसमें अभी टाइम है इन्वेस्ट करने का या नहीं। तो मैं यहाँ पर टिकर टाइप पे आया हूँ, तो आपके सामने रिटर्न वर्सी एफडी काफ़ी बेटर दिखा रहा है पर डिविडेंड कोई अच्छा खासा पे नहीं करता। फोरकास्ट की बात करते हैं, फोरकास्ट में आपके सामने किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है जो इसमें बाई के लिए कह रहा हो। फाइनेंस की बात करते हैं, जैसे कि आपके सामने इसकी जो इंडस्ट्री के रेवेन्यू की ग्रोथ रेट है लास्ट के 5 ईयर में 24.27% है और जिस सेक्टर की कंपनी है उसकी सिर्फ 16.53% है। इसके अकॉर्डिंग कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है। और इनकम की बात करते हैं, इसकी जो लास्ट 5 ईयर के अंदर जो इसकी इनकम की ग्रोथ रेट है 22% है जबकि जिस सेक्टर की कंपनी है उसकी ग्रोथ रेट 12.85 है। लास्ट 5 ईयर के अंदर इसका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है 0.12 to 0.17% है। 2018 में इनका टोटल रिवेन्यू था 41 करोड़, जो 2019 में बढ़ के 58 करोड़ हुआ, 2020 में 62, पर 2021 में थोड़े रिवेन्यू में कमी आई, हम कह सकते हैं कोरोना इफेक्ट हो सकता है। नेट इनकम की बात करते हैं, 2018 में इसकी जो नेट इनकम थी करीब 5.69 करोड़ थी और 2019 में इनकी इनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है करीब 9.72 करोड़। 2020 में प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई है पर रिवेन्यू बढ़ा है। अब फाइनेंस ईयर 2021 की बात करते हैं, इनके आप देखोगे रिवेन्यू में कमी आई है पर प्रॉफिट भी देखो ज़्यादा कमी नहीं आई, अब 2020 के आसपास ही इनका थोड़ा प्रॉफिट है। अब इन द एंड कंपनी एक तो बहुत छोटी कंपनी है और लास्ट के 4 सालों में कंपनी एक प्रॉफिट के अंदर कंपनी है और रिवेन्यू भी आप देखोगे लगातार बढ़ रहा है। 2021 में थोड़ी कमी आई तो माइनर कमी है। अब एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, इसमें है ना मैक्सिमम अब होल्डिंग बात करते हैं, प्रमोटर के पास 21.56% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड के पास कोई होल्डिंग नहीं है, DII की भी कोई होल्डिंग नहीं है, FII की भी कोई होल्डिंग नहीं है, बाकी जितनी भी होल्डिंग है वो हमारी अदर पार्टी और रिटेल इन्वेस्टर के पास है। इसमें आप देखोगे रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 8.83% होल्डिंग है और जो बाकी अदर पार्टी उनके पास करीब 70% के पास आसपास उनके पास होल्डिंग है। आते हैं हम होल्डिंग के ऊपर, आपके सामने प्रमोटर के पास जो टोटल होल्डिंग है 21.56% होल्डिंग है और प्रमोटर की होल्डिंग लगभग स्टेबल है। उसके बाद बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, कोई होल्डिंग नहीं है, ना ही DII की होल्डिंग है, ना ही FII की होल्डिंग है और जो हमारे पास 78.44% होल्डिंग पड़ी है हमारे पास रिटेल और अदर इन्वेस्टर के पास। इसमें हम बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर के पास 8.83 और करीब 70% के आसपास हमारी अदर पार्टी के पास इसकी होल्डिंग है। तो देखो कंपनी तो ग्रोथ कर रही है, मैं ये नो डाउट कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और सब कुछ बढ़ रहा है, पर अब बात करते हैं कि अच्छी खासी ग्रोथ। अब म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है और ना ही DII की होल्डिंग है, तो इसमें कंपनी स्टेबल है पर मैक्सिमम होल्डिंग पड़ी है हमारी रिटेल और अदर पार्टी के पास। तो ऐसे में ये होता है कि कोई बहुत बड़ी होल्डिंग इन्वेस्ट मत करना, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग से ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर लेवल के ऊपर, जैसे कि इस शेयर में एक अच्छा खासा पीक आया, इस कंडीशन में अगर कोई इसे बाय करना चाहता है तो मेरे हिसाब से मत करे, और फिर भी अगर किसी ने इसे बाय कर रखा है तो वो जो SL आ रहा हमारे पास करीब 50 रुपये का जो SL है इसे ब्रेक मत होने देना। लिख देता हूँ, जो न्यू बायर है ना वो तो बाय मत करो, अभी बिल्कुल सही टाइम नहीं है, पर जिन्होंने बाय कर रखा 50 रुपीज़ के SL के साथ इसे रखें। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की, इस शेयर का नाम है अल्ट्रा कैब इंडिया लिमिटेड। इस शेयर का जो करंट प्राइस है 168 रुपीज़ है और इसकी भी डे की क्लोजिंग देखोगे करीब 19.40% पे हुई है, करीब 20% के आसपास इसने अपनी डे की क्लोजिंग दी है। अब बात करते हैं इसके एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं, यहाँ पर आपके सामने रिटर्न वर्सी FD बिल्कुल बेटर नहीं है और ये ना ही शेयर कोई अच्छा खासा डिविडेंड पे करता है। फोरकास्ट की बात करते हैं, तो फोरकास्ट में किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है जो इसमें बाय के लिए कह रहा हो। फाइनेंस की बात करते हैं, इसकी जो इंडस्ट्री के रिवेन्यू की ग्रोथ रेट है लास्ट के 5 ईयर के अंदर 11.5% है जबकि सेक्टर की ग्रोथ रेट है 6.75%, पर जब इसकी इनकम की बात करते हैं लास्ट के 5 ईयर के अंदर इनकम की ग्रोथ रेट है 27.43%, पर जिस सेक्टर की कंपनी है
उस सेक्टर की ग्रोथ रेट है 9.2%। मार्केट शेयर इसका इंक्रीज़ हुआ है पर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। 2018, 19, 20 और 21, 2018 में इनका टोटल रिवेन्यू था 49.31 करोड़, यानी करीब 50 करोड़ के आसपास। 2019 की बात करते हैं 73 करोड़। 2020 में इनके रिवेन्यू में थोड़ी कमी आई, करीब 66 करोड़ रिवेन्यू रह गया। 2021 में इनका रिवेन्यू बढ़ा है। नेट इनकम की बात करते हैं, 2018 में इनकी जो नेट प्रॉफिट था 74 लाख था, पर 2019 में इनका प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा, करीब 1.17 करोड़ हो गया। 2020 में जो इनका प्रॉफिट था, प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई पर इन द एंड कंपनी प्रॉफिट में थी। 2021 में इनका प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा जैसे रिवेन्यू बढ़ा था। अब कंपनी बहुत छोटी है, कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है हर साल और प्रॉफिट भी लगातार बढ़ ही रहा है। बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। अच्छी खासी बात है कि प्रमोटर के पास एक अच्छी खासी होल्डिंग है, पर प्रमोटर ने रिसेंटली इसमें से अपनी थोड़ी होल्डिंग कम की है। म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है, DII की कोई होल्डिंग नहीं है, FI की कोई होल्डिंग नहीं, बाकी जितनी भी होल्डिंग है वो हमारी रिटेल और अदर पार्टी के पास है। अब इसमें भी हम देखेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर है 6.4% है और अदर पार्टी करीब 30.35% होल्डिंग अदर पार्टी के पास है। तो कंपनी की बात करते हैं, कंपनी बहुत छोटी कंपनी है और कंपनी स्टेबल लग रही है क्योंकि मैक्सिमम तो होल्डिंग प्रमोटर के पास ही है, पर फिर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का आइडिया मत रखना क्योंकि अब बात करते हैं इसमें सिर्फ ट्रेड की। अगर किसी ने इसे बाय करना क्या सही टाइम है, जैसा कि आपके सामने अभी इस शेयर ने अपना 52 वीक हाई को ब्रेक करा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई इस शेयर को बाय करना चाहता है तो मेरे साथ थोड़ा कुछ दिन वेट करें। अगर 2 या 3 दिन इसके ऊपर सस्टेन रहता है, यानी कि 163 रुपये के ऊपर सस्टेन रहता है, उस कंडीशन में इसमें और अच्छा पीक हमें देखने को मिल सकता है। जिसने भी शेयर बाय कर रखा है वो स्ट्रॉन्ग SL अभी फोकस करे। SL हमारा 160 रुपीज़ का SL है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के साथ। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।